हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने पेटीएम वैलेट के पैसे को बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब आपके पेटीएम वैलेट में जितने भी पैसे पड़े हैं उनको आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी टैक्स के। 0% आपको टैक्स लगेगा इसमें, बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जब भी हम पेटीएम वैलेट के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र करते थे तो उस पर 5% टैक्स लगता था, लेकिन अब आपके जितने भी पैसे पेटीएम वैलेट में होंगे वो सारे के सारे आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने पेटीएम की जो ये सीरीज़ चला रखी है इसमें मैंने अब तक 4 वीडियोज़ बना रखी हैं जिसमें मैंने सिखाया है आपको कि पेटीएम का अकाउंट कैसे बनाते हैं, पेटीएम पर मिनी KYC कैसे करते हैं, पेटीएम पर फुल KYC कैसे करते हैं और पेटीएम वैलेट में पैसों को कैसे ऐड करते हैं। तो आप इन वीडियोस को अगर सीखना चाहते हैं तो मैंने इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दिया है, आप वहां से जाके इजीली से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें पेटीएम एप्लीकेशन जो है इसको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। इसको ओपन कर लिया है हमने अपने मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब इसमें हमें वैलेट के पैसे को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है वो मैं आपको इसमें सिखाऊँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बैलेंस एंड हिस्ट्री, पेटीएम बैंक, पेटीएम वैलेट। तो हम सबसे पहले अपने ये कैसे चेक करेंगे कि हमारे वैलेट में कितने पैसे हैं, तो हमें यहाँ पे इस वाले बैलेंस एंड हिस्ट्री, ये पासबुक भी है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पेटीएम बैलेंस यहाँ पर 511 रुपये यहाँ पर इसमें दिखा रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप पेटीएम बैलेंस, इसके ऊपर क्लिक करना है हमें। ये जो पेटीएम वैलेट लिखा आ रहा है 511 रुपये, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें पेटीएम वैलेट बैलेंस जो है 511 है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। डाउनलोड स्टेटमेंट, आप अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सेंड मनी फ्रॉम वैलेट टू बैंक, वैलेट से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐड मनी टू वैलेट, वैलेट में मनी ऐड कर सकते हैं यहाँ से भी आप। और सेटअप ऑटोमेटिक ऐड मनी, यहाँ पे ऑटोमेटिक भी आप सेट कर सकते हैं कि मुझे इतने रुपीज़, जैसे मेरे पेटीएम वैलेट में इससे कम रुपीज़ हों तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक इतने रुपीज़ ऐड हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जैसे हमारा बैलेंस जो है 1000 से नीचे जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम जितना अमाउंट डालेंगे वो इसमें ऐड हो जाएगा, वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इस सेकंड वाले ऑप्शन जो दिख रहा है सेंड मनी फ्रॉम वैलेट टू बैंक, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंड मनी फ्रॉम वैलेट टू बैंक, कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू कैन सेंड मनी फ्रॉम योर वैलेट टू बैंक एट 0% चार्ज इंस्टीट ऑफ 5% TNC अप्लाई। मतलब आपको अब 0% चार्ज लगेगा जो पहले 5% लगता था। तो हमें यहाँ पे अमाउंट डालना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मेरे 511 रुपये हैं तो मैं यहाँ से 100 रुपये ट्रांसफ़र करके देखता हूँ। उसके बाद हमें इस प्रोसीड जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ये ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारा ये मैंने जो बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है ऐड न्यू, इसके ऊपर हम क्लिक करके अगर हमें किसी और बैंक में कोई और ऐड करना है यहाँ पे तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें IFSC कोड डालना पड़ेगा उसका, यहाँ पर हमें होल्डर का नाम डालना पड़ेगा, जो भी आपका अकाउंट में अकाउंट नंबर में जो आपने नाम दे रखा है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोसीड करना पड़ेगा
और वो फिर से आपका बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये हम बैक हो जाते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है सेंड मनी फ्रॉम वैलेट टू इज दिस बैंक, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस भी दिखा रहा है कि आपको कोई चार्जेस नहीं देना, आपके 100 रुपीज़ हैं तो वो 100 के 100 ही आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पेएबल 100 रुपये ही दिखा रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे कंफर्म के ऊपर जो है, ये जो कंफर्म दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 100 रुपीज़ हमारे बैंक में जो हैं ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ पे हम व्यू पासबुक कर सकते हैं, ऐड मनी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेटीएम वैलेट के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने ये सीख लिया होगा कि आप अपने पेटीएम वैलेट के पैसे को बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।